In this video, we are going to discuss question number 2 of exercise 1.2, class 10th, mathematics. Let's start. Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers. हमें ये जो given pairs हैं, इनका LCM और HCF find करना है और उसके बाद इस relation को verify करना है. We have verified this relation in the previous videos also. You can watch that video to get the better understanding of the concept. Now let's do the question step by step. पहले हमें LCM HCF निकालने के लिए prime factorization करना होगा. 2 से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे एक even number है. 2 1s is 2 and 2 3s is 6. अब 13 खुद prime number है, तो ये 13 से ही होगा. 13 1s is 13. ओके अब 91 का करेंगे. यहाँ पे इवन नंबर नहीं है इसलिए 2 से भी नहीं होगा. 3 से करके देखेंगे. 3 3 जा 9 पर ये आगे वाला नंबर नहीं हो पाएगा 3 से भी. ये 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ना 5 है ना 0 है. तब हम 7 से ट्राई करते हैं. 7 1 जाए 7 2 कैरी बचा ये हो गया 21. 7 3 जाए 21. अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है. 13 1 is 13. तब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 26 को प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख सकते हैं 2 into 13. और 91 को हम लिख सकते हैं 7 into 13. In the previous video we have learned how to find LCM. एक बार फिर देखते हैं. LCM के लिए हमें सबसे हाईएस्ट पावर्स होती हैं जो इनमें वो लेनी होती है. यहाँ पे 2 की हाईएस्ट पावर है. यहाँ पे 2 की कोई पावर है ही नहीं इसलिए यहाँ से 2 ले लेंगे. देन 7 और उसके बाद 13 की यहाँ पे दोनों जगह सेम पावर है तो 13 भी एक बार आ जाएगा. तो एलसीएम आ गया 2 7s are 14 एंड जब हम 14 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 182. अब एचसीएफ देख लेते हैं. एचसीएफ के लिए हमें सिंपली कॉमन लेना होता है. यहाँ पे 2 नहीं कॉमन है ना 7 कॉमन है ओनली 13 जो हमारे यहाँ पे कॉमन है. तो एचसीएफ क्या हो गया 13. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया. अब हमें इसके सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. इस रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है तो इसे वेरीफाई कर लेते हैं. प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी 182 इंटू 13. जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमें मिलेगा 2366. अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. टू नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे. नंबर्स कौन कौन से गिवन थे 26 एंड 91. जब हम इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे हमें दोबारा से 2366 मिल जाएगा. इसका मतलब ये रिलेशन वेरीफाई हो गया. ये वाली ये भी 2366 आ गया और ये भी 2366 आ गया. तो हम लिख सकते हैं HCF into LCM is equals to product of two numbers. ओके और लास्ट में ये हो गया हमारा वेरीफाई. यहाँ पे आप इस स्टेटमेंट की जगह डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं HCF into LCM. ओके नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट. 510 एंड 92. अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. पहले 510 का यहाँ पे लास्ट में 0 है ये 2 से हो जाएगा. 2 2s is 4, 1 carry बचा 11 हो गया. 2 5s is 10, यहाँ पे फिर एक carry बचा और यहाँ पे हो गया 10. 2 5s is 10. अब ये 2 से तो होगा नहीं यहाँ पे odd number है. 3 से करके देखेंगे. 3 4s are, sorry, 3 6s is 24, 1 carry जाएगा 15, ये 3 से हो जाएगा. 3 6s is 24, 1 कैरी गया 15 हो गया. 3 5 is 15.
ओके, अब ये 3 से नहीं होगा इफ चेक। नाउ वी विल ट्राई इट बाय 5, क्योंकि ये लास्ट में 5 है तो ये 5 से हो जाएगा। 5 वन जा इज 5, यहाँ कैरी गया इट्स 15 हो गया। 5 थ्री जा इज 15। अब 13 एक प्राइम नंबर है तो ये 13 से ही होगा। 13 वन जा इज 13। 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब 92 का करेंगे। यहाँ पे एक इवन नंबर है, ये 2 से हो जाएगा, करते हैं। 2 4 8, 1 कैरी गया 12 हो गया। 2 6, अब यहाँ पे दोबारा से एक इवन नंबर है, ये 2 से हो जाएगा। 2 2 4 एंड 2 3 6। अब 23 यहाँ पे एक प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 23 से ही होगा। 23 1 23। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम इन्हें ऐसे लिखते हैं प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में, 2 × 3 इंटू 5 इंटू 13। और 92 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 23। यहाँ पे 2 की पावर रिपीट हुई है, 2 दो बार रिपीट हुआ है, इसलिए हम इसे 2^2 × 23 लिख सकते हैं। अब एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम के लिए वी विल टेक हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर। अब 2 से शुरू करते हैं। 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2^2 ले लेंगे। 3 सिर्फ 510 में है, यहाँ पे 3 ले लेंगे। 5 भी सिर्फ यहीं पे है 5। देन 13 भी सिर्फ यहीं पे है, हम 13 लेंगे। और उसके बाद वी विल टेक 23 फ्रॉम हियर। नाउ वी विल मल्टीप्लाई एंड वी विल गेट 23,460। अब एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, जो भी कॉमन नंबर होगा वो लेंगे। कॉमन यहाँ पे सिर्फ एक 2 है, इसके अलावा ना 3 ना 5 ना 13 और ना ही 23, इनमें से कोई भी नंबर यहाँ कॉमन नहीं है, सिर्फ 2 कॉमन है, वो भी एक ही बार। तो यहाँ पे हमारा एचसीएफ आ जाएगा 2। ओके, अब हमें वेरीफाई करना होगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हमारा एचसीएफ आया था हमारा 2, एलसीएम आया था 23460। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट 46920। अब हमें प्रोडक्ट करनी होगी दोनों नंबर्स की, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट करेंगे जो हमें गिवन थे, 510 × 92। इसे कैलकुलेट करने के बाद भी हमारे पास 46920 आएगा। यू कैन मल्टीप्लाई एंड चेक। तो हमारी दोनों साइड्स इक्वल आ गई, तो हम लिख सकते हैं एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स एंड हेंस इट इज वेरीफाइड। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड पार्ट। नंबर्स आर 336 एंड 54। ये इवन नंबर है, यहाँ पे 2 से हो जाएगा। 2 1 = 2, 1 कैरी गया 13 हो गया। 2 6 = 12, फर्दर एक कैरी गया और ये हो गया 16। 2 8 = 16। ओके, नाउ दोबारा 2 से हो जाएगा। 2 8 = 16 एंड 2 4 = 8। ओके, ये दोबारा 2 से हो जाएगा। 2 4 = 8 एंड 2 2 = 4। अगेन इट विल बी डन बाय 2। 2 2 = 4 एंड 2 1 = 2। 4 स्टेप में ये 2 से हो गया, लेकिन अब 5th स्टेप में यहाँ पे एक और नंबर आ गया तो हम इसे 3 से करेंगे। 3 7 = 21। अब 7 एक प्राइम नंबर है तो ये 7 से ही होगा। 7 1 = 7। ओके, अब 54 को करते हैं। सिंस दिस डिजिट इज इवन तो ये 2 से हो जाएगा। 2 2 = 4, 1 कैरी गया 14। 2 7 = 14, यहाँ पे और नंबर आ गया, इसे 3 से करेंगे। 3 9 = 27, 3 3 = 9 एंड 3 1 = 3।
नाउ अभी नहीं लिख सकते हम प्रोडक्ट की फॉर्म में, 336 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे जो पावर्स रिपीट हुई है उन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं 2 रेज बाय 4, क्योंकि यहाँ पे 2 4 बार आया, इंटू 3 इंटू 7। और यहाँ पे 3 3 बार रिपीट हुआ है इसलिए हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज बाय 3। ओके अब हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम यहां से आ जाएगा हाईएस्ट पावर का, 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे है क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर सिर्फ 1 ही है इसलिए हम 2 रेज बाय 4 लेंगे। देन 3 की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है तो हम ये 3 रेज बाय 3 ले लेंगे। और 7 की हाईएस्ट पावर सिर्फ यहीं पे, जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट 3024। ओके और यहीं से हम एच सी एफ फाइंड कर लेंगे। एच सी एफ हमारा होता है कॉमन नंबर्स का, इसमें देखेंगे कॉमन कौन कौन सा है। यहां से आपको थोड़ा हार्ड पड़ेगा, हम यहीं से देख लेंगे। तो 2 कॉमन है और एक यहां से 3 इज कॉमन, सिर्फ ये दो नंबर्स कॉमन है, इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं है। तो हम 2 इंटू 3 ले लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 6। तो ये हमारा एच सी एफ आ गया 6 एंड एल सी एम इज 3024। नाउ वी विल वेरीफाई एच सी एफ इंटू एल सी एम। एच सी एफ इज 6 एंड एल सी एम इज 3024। वी विल गेट 1844। नाउ वी विल डू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दोनों नंबर्स कौन से गिवन है हमें, 336 एंड 54। इनकी प्रोडक्ट भी 1844 आ जाएगी। सो वी कैन राइट एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ये दोनों हमारी वैल्यूज इक्वल आ गई, हैंस इट इज वेरीफाइड। सिंस दोनों साइड एक जैसी आ गई इसलिए हमारा वेरीफाई हो गया। ओके आई होप इट इज क्लियर। If you have any doubt, you can comment in the comment section.